क्या ममता बनर्जी बंगाल में सपा बसपा राजद जदयू या तेलुगु देशम जैसी पार्टियों से गठबंधन कर सकती हैं? या इस सवाल को उल्टा भी किया जा सकता है जिसका जवाब आमतौर पर नकारात्मक होगा क्योंकि न तो इन पार्टियों का पश्चिम बंगाल में कोई आधार है और न ही बिहार उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश में टीएमसी की कोई मौजूदगी। लेकिन खबर है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही हैं और ये भी खबर है कि आने वाले हफ्तों में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच ऐसा कोई फैसला हो सकता है। दोनों दलों की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी का गठबंधन हो सकता है क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अखिलेश यादव के राजनीतिक रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि ममता ने अपने राज्य में सभी बाधाओं के खिलाफ सांप्रदायिक ताकतों को कुचल दिया है, लिहाजा यूपी में उनका अभियान निश्चित रूप से विपक्ष को मजबूती प्रदान करेगा। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की चुनावी राजनीति पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है, वहां टीएमसी किस आधार पर चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी और कैसे उसकी मौजूदगी अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाएगी, या फिर ये कि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है उसे सत्ता की दावेदार पार्टी गठबंधन करने की क्यों सोच रही है? तो इसका जवाब भी सोशल इंजीनियरिंग ही है। दरअसल अखिलेश यादव राज्य में ओवैसी के तेवरों से डरे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि मुसलमान उनकी सत्ता में वापसी के अहम पुर्जे हैं। हालिया कुछ वर्षों में नागरिकता कानून विरोधी धरना प्रदर्शनों और योगी सरकार की नीतियों के प्रति सपा की उदासीनता से मुसलमानों में सपा को लेकर नाराजगी है, जिसकी वजह से अखिलेश डरे हुए हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या जिले के रुदौली से विधानसभा चुनाव का अपना अभियान शुरू कर चुके हैं। अपने अभियान की शुरुआत में ही वो मुस्लिम वोटों के दावेदार पार्टियों सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं और 100 से अधिक मुस्लिम डोमिनेटेड सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का मन बना चुके हैं। वैसी ने अपने इस इरादे को पर्दे में नहीं रखा है कि वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं। अपनी इस कोशिश में वो हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र झारखंड बिहार और पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से चुनाव लड़ चुके हैं। इन चुनाव में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। जहां महाराष्ट्र और बिहार में उनकी पार्टी को कुछ कामयाबी मिली, वहीं झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था। पश्चिम बंगाल में उन्हें काफ़ी उम्मीदें थीं लेकिन ममता बनर्जी ने मुसलमानों में उनके प्रभाव को कामयाबी के साथ निष्क्रिय कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की एक ठीक ठाक आबादी है। इन सीटों पर यदि वैसी ही अपना कुछ प्रभाव दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो सत्ता में वापसी का अखिलेश यादव का सपना सपना ही रह सकता है। यही वजह है कि उन्हें ममता में वैसी की काट नज़र आ रही है और ममता पर उनकी नज़र इसलिए भी है क्योंकि ममता ने अभी हाल ही में बीजेपी को ज़बरदस्त शिकस्त दी है, जिसकी वजह से बीजेपी विरोधी वोटर्स में उनका कद बढ़ा है। इसकी एक वजह यह भी है कि बसपा और कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव कुछ ऐसे एलाइज की तलाश में हैं जो उनसे ज़्यादा सीटों का मुतालबा न करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सपा से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? तो इसका जवाब ये होगा कि ममता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में उतना ही फ़ायदा पहुँचा सकती हैं जितना अखिलेश यादव ममता को पश्चिम बंगाल में पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।